रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हाँ ठीक है। तो इंदिर आज का टॉपिक बताया ना, कोका कोला। हाँ यह है कभी कोका कोला? इतना हाँ नहीं कोकोला नहीं पिया भाई नहीं, कभी, पहली बार नाम सुन रहे हो कोका कोला का। क्या पहली बार नाम सुन रहा हूँ भाई। कोल्ड है कोका कोला बताओ तो थोड़ा। क्या ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स? कार्बोनेटेड तो वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज कार्बोनेटेड वाटर? आई वांट टू लर्न। मतलब कि कार्बन को लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस किया हुआ, आई गेस, नॉट श्योर। अच्छा अच्छा तो अच्छा यस लगता है पीने में? क्यों पीने में हाँ ठीक ही ठाक लगता है, अच्छा ही लगता है, अच्छा क्यों लगता है जरा बताओ। क्योंकि उसमें शुगर भी एडेड रहता है, पानी भी रहता है, और खाने पीने की चीज़ है तो अच्छा लगता है बॉडी को। तो नहीं, ऐसा क्या रहता कैफीन है जो बहुत अच्छा भी लगता है रहता है, पीने में? क्या क्या रहता है उसका टेस्ट अच्छा लगता है। हाँ तो बेसिकली शुगर है वहां पे, दैट्स शुगर भी है, व्हाई यू लाइक इट। हाँ शुगर सो बेसिकली व्हाट कोका कोला है, इज दो तीन डूइंग टाइप का इज, शुगर है। या इट इज सेलिंग यू शुगर वाटर। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज सेलिंग यू शुगर वाटर एंड देयर आर सम इडियट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर जस्ट ड्रिंकिंग इट, शुगर वाटर। कार्बन भी है, बहुत कार्बोनेटेड वाटर भी है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा हाँ होता है, कार्बोनेटेड वाटर भी कार्बन है, फॉर्म में। और कुछ इडियट्स लोग होते हैं जो बहुत पीना पसंद करते हैं ये सब चीजें, और अपने आप को बहुत कूल समझता है ये सब पी के। हाँ तो होता है। तो और उनका जो इडियोक्रेसी है, उस इडियोक्रेसी का फायदा लेकर कोका कोला इज अर्निंग बिलियन ऑफ डॉलर बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर फुलिशनेस और आवर फुलिशनेस। टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर फुलिशनेस, कोका कोला इज बेसिकली अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय सेलिंग अस शुगर कोटेड वाटर। क्यों? मेरे को ऐसा नहीं लगता है बॉस कि बेवकूफ बना रहे, क्योंकि हाँ 15 रुपये में आपको मिलता है कोको कोला, जो कि कहाँ मैन्युफैक्चर होता है और कहाँ आके मिलता है, कितने लोग उसमें रहते हैं, 1 रुपया भी प्रॉफिट करता होगा कि नहीं कोको कोला उसका पता नहीं। लोगों को अच्छा भी फील होता है भाई, ठीक है हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें खाती है, हम लोग खाते हैं जिसमें कैंसर होता है। एक्चुअली बॉडी उस चीज़ को, कैंसर वाले उन सेल्स को बॉडी अडेप्ट नहीं करता है, बट अगर उसको बॉडी अगर अडेप्ट कर ले तो कैंसर हो सकता है उन चीज़ों से। हम लोग खाते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, यूजुअली कैंसर नहीं होता, अनहेल्दी चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन सीन ये है कि वैसा नहीं है। ठीक है कार्बोनेटेड वाटर है, सिर्फ शुगर है जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो लेकिन फिर क्यों अच्छा खाते टेस्ट हैं? टेस्ट के लिए? के लिए ही लोग शुगर खाते हैं मेनली, और कुछ लोगों को जरूरत होती है, बहुत मिनिमम जरूरत होती है जो हर जगह मतलब नॉर्मल चीज़ों से भी मिल जाती है। ये सीन है, बेवकूफ तो नहीं बनाते बट यस कुछ अच्छा फील बेवकूफ भी। नहीं बनाते, लेकिन लोग तो बेवकूफ है ना, लोग तो बेवकूफ है, वो कैसे टेस्ट के लिए खा रहे हैं। कैसे बने? हाँ तो एंजॉयमेंट यार, तो लाइफ और तो लाइफ क्या, समझदारी के लिए लोग तो एंजॉय करते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, और एंजॉयमेंट के चक्कर में बहुत लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट मतलब कि एक्सीडेंट भी हो चुका है बड़ा बड़ा। तो क्या हुआ? लाइफ एंजॉयमेंट एक लाइफ का पार्ट है बहुत। हाँ ठीक है, बिल्कुल हाँ सही बोला, बहुत तो बुद्धिमान कोकोनट इंसान हो तुम, को अच्छा कोकोनट इंटेलिजेंट पर्सन लग। तो क्या, यस सच ए इंटेलिजेंट पर्सन, क्या बढ़िया बात बोला। एंजॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पहली बार सुना ऐसा बातें। सुनने अच्छा के लिए तुमको क्या मेरा लगता कान है तड़प भाई, रहा था। तुमको क्या लगता है सीरियसनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्या कोका बोल रहा हूँ तुमको क्या लगता है एंजॉयमेंट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, सीरियसनेस ऑब्वियस लाइफ का पार्ट एंजॉयमेंट है। इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट द थिंग इज दैट ना, द प्रॉब्लम विद पीपल इज दैट, फॉर एग्जांपल लेट्स से अ पर्सन स्टार्ट एंजॉयिंग, द थिंग इज दैट इफ ही स्टार्ट ड्रिंकिंग कोका कोला, देन मोस्ट प्रोबेबली व्हाट वुड हैपन इज ही वुड गेट एडिक्टेड। बिकॉज़ यू सी एडिक्शन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल हैबिट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू एट अ वेरी यंग एज इफ यू गेट अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, देन द मोर यू ग्रो ओल्डर द मोर दैट चेन वुड ग्रो, द मोर योर एडिक्शन वुड ग्रो, बिकॉज एडिक्शन ग्रो फ्रॉम वेरी स्मॉल हैबिट्स। बट एंड बस मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ एडिक्शन, मेरे को भी बताया ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का, मतलब कोको कौन कोला सा का एडिक्शन भी, है? ये कोको कोला और थम्स अप का एडिक्शन मेरे को भी हुआ था, बीच में बहुत यूज कर लेता था, लेकिन आई गेस ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, क्या बोलते हो? टेम्पररी सब लोग के लिए नहीं होता, परमानेंट भी हो मतलब जाता है, क्योंकि हमारा जो हाँ माइंड है ना, हमारा माइंड ब्रेन इज वेरी वीक,
हमारा ब्रेन बहुत वीक है, सब लोगों का माइंड कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं होता, अच्छा ये और सेल्फ बताओ कंट्रोल। उसमें क्या रहता है जिससे वो बॉडी ये हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है, उसमें क्या ऐसा रहता है? शुगर, शुगर कोटेड वाटर किसको नहीं पसंद है? शुगर शुगर वाटर मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है। शुगर एडिक्टिव चीज थोड़ी है। एडिक्टिवनेस काइंड ऑफ कि आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए तो मन ही नहीं लग रहा है, वो होता है ना एडिक्ट। कौन सा? ये मतलब चाहिए ही चाहिए, आप तो कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए ही चाहिए, वैसा थोड़ी है। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जब भी कुछ तुम पीने ये का कह मन रहे हो कि करे चलो टेस्ट कोका अच्छा कोला लग पी गया, लो, ऐसे बात तुम ये कह रहे हो कि हाँ टेस्ट अच्छा लग गया तो हमेशा पहुंच जाते हैं एंजॉय करने के लिए, ये कहना चाहते हो? नहीं। बात क्या है ना, आजकल के बच्चे लोग है, बच्चे लोग छोड़ो, जो टीनेजर्स है, जो 18-19 साल के जो लड़के हैं मेरे उम्र के ही, वो क्या है ना, इतना एडिक्शन हो जाता है, जो जब भी कुछ पीने का मन करे चलो कोका कोला पियो, चलो पेप्सी पियो, ऐसा बात है, ऐसा एडिक्शन हो चुका है। अगर उनको बोलो नहीं तुम कोका कोला नहीं पियोगे, सिर्फ पानी पियो, वो लोग मर जाएंगे। दैट इज द ट्रूथ विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नाउ डेज, मोस्ट ऑफ द टीनेजर, ओके okay. ऐसे ही एडिक्शन होता है ना, हाँ हाँ होता है, दैट्स द रियलिटी। तो हाँ ऐसा एडिक्शन होता है, मेरे को इसलिए भी बोल रहा बहुत हूँ है। लोगों को बेवकूफ है लोग। अच्छा सही है। तो लेकिन फिर भी एक कोका बात कोला, बताओ, हाँ बोलो रित्रो बोलो। क्या बोलते हैं, तुम पानी पीते हो? नहीं पानी वाला एग्जांपल गलत हो नहीं जाएगा। पानी नहीं, मैं तो एलियन नहीं हूं, नहीं मैं पानी पानी वाला नहीं नहीं, पीता, मैं मार्स से आया हूँ भाई, मैं सॉरी पानी भाई, नहीं बहुत पीता। केक, सॉरी भाई। केक खाते हो? केक कौन सा केक अपना मम्मा से बताओ? केक खाते हो ना, म्यूमोर से, कल बता रहे थे ना म्यूमोर से केक खाते हो। अरे नहीं मियामोर से मैं पेस्ट्री वेस्ट्री नहीं, ज्यादा नहीं खाता। अगर कोई स्पेशल ओकेशन हो, बर्थडे मिठाई, बर्थडे हो, तब अच्छा मैं ट्राई मिठाई खाते हो, करूंगा। अब बंगाली हो ये मत बोलना मिठाई भी नहीं खाता। मिठाई खाते हो ना, मिठाई, मिठाई खाता हूँ लेकिन बहुत तो रेयर, ज्यादा नहीं। उसका एडिक्शन नहीं होता है क्या? मन नहीं करता खाने का? हाँ मैं मन सोच तो रहा हूँ करता है, जबर के मन तो करता है, सोचा रहे लेकिन हो। आई कंट्रोल माई लेकिन सेल्फ, आई कंट्रोल माई सेल्फ, आई डोंट लेट इट कोको गेट ओवर कोला, मी। हाँ लेकिन कोको वाले कोको कोला के टाइम कंट्रोल नहीं कर पाते हो? कोका कोला मैं नहीं, मैंने लास्ट कब कोका कोला पिया था इससे मुझे तो याद नहीं। कोका कोला मैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक बहुत रेयरली पीता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। बोला नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, बोलो क्या हाँ बोल रहे थे। ठीक है, तो क्या है, अगर तो इंदर बताओ, अगर तुमको कोका कोला दिया जाए, और नो लेट मी स्पीक इन इंग्लिश, तो यस यस इंदर इफ यू आर गिवेन 1 बॉटल ऑफ कोका कोला एंड 1 बॉटल ऑफ पेप्सी, तो वुड यू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस टेस्ट? टेस्ट में कोई डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों में? कोई डिफरेंट है यार टेस्ट में? यार, देर इज डिफरेंस। नो नो नो, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इन 1 ग्लास आई गिव कोका कोला, आई गिव यू 1 ग्लास ऑफ कोका कोला, एंड देन फॉर द नेक्स्ट टाइम आई गिव यू 1 ग्लास ऑफ पेप्सी, ओके? बट यू डोंट नो दैट आई एम, एट फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग यू कोका कोला एंड द सेकेंड टाइम आई एम गिविंग यू पेप्सी, ओके? बट आई डोंट टेल यू दैट, आई एम जस्ट टेल यू दैट इट इज जस्ट कोल्ड ड्रिंक। So now, if you drink those 2 glasses, would you be able to identify which one was Coca-Cola, which one was Pepsi? Yeah, I guess everybody can do it, not only I. That's क्या कर पाओगे? हाँ easily differentiable. बोलो कैसे? Yes, बोलो बहुत is easily differentiable. बोलो बोलो कैसे? Taste differ होता है. मुझे तो नहीं लगता Taste differ होता है. तुम्हें नहीं लगता? कोका तो कोला और तुम्हारे पेप्सी टेस्ट में दोनों बर्ड्स ही तो शुगर कोटेड को, वाटर है। हाँ दोनों ही शुगर कोटेड वाटर है। पेप्सी थोड़ा डार्क टाइप में वैसा कुछ फील होता है, और कोल्ड ड्रिंक से मतलब कि ये जो है ये थोड़ा लाइट फील होता है कोका लाइट फील होता है भाई, कोला। हाँ मुझे दोगे मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए टेस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही में। मोर और ओके लेस ओके सेम है। हाँ बोल सकते हो, कार्बोनेटेड वाटर है तो वो चीज तो कॉमन है ही, बाकी थोड़ा बहुत टेस्ट में हेरफेर है, बहुत ज्यादा नहीं है। एज शुगर एक में ज्यादा होता है, एक में कम होता है। पेप्सी में शुगर तुम्हारे लिए ज्यादा रहेगा कंपेयर टू कोको कोला। अच्छा पॉसिबली मेरे को थोड़ा उल्टा लगता है शायद।
कोका कोला में कम लगता है, पेप्सी में तो ज्यादा लगता है शुगर। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, पेप्सी में ज्यादा होता है, कोका कोला में कम होता है शुगर। मेरे को हाँ हाँ वो तो यही बोली क्या, फिर ठीक है तो सही पॉइंट बोली। तो यस अरित्र, व्हिच वन इज मोर पॉपुलर देन डू यू थिंक, पेप्सी और कोका कोला? कोका कोला। व्हाई कोका कोला? इट्स वर्ल्ड वाइड ब्रो, पेप्सी इज आल्सो वर्ल्ड वाइड। Actually, I know. I heard that Coca-Cola is more popular. Why the companies is it more popular among people? Tell me. There is one story that Coca-Cola has a formula that nobody knows. It's about its unique taste. No. That's bullshit. I don't know then. What is the actual reason? The difference is that, you see, as you can see in the bottle of Coca-Cola, the label, the logo that it is given, it is red in color. Basically, it is written, it is the background is red, and using white color, it is written Coca-Cola. Now the thing is that our mind has a direct connection with red color. Okay. Okay. So whenever if we compare between Coca-Cola and Pepsi, now. Think that way. Our mind works on the basis of imagination, not on the basis of alphabet. Okay. For example, right. If I tell you green apple, then what comes to your mind? A green apple, an apple which is green in color. Yes. But if I tell you XYZ, let's example, I say XYZ. Any image coming to your mind? Any kind of image? Yes, it's come alphabet. Yeah? It's come alphabet, XYZ. No, not any image of any particular object. Just X, Y, Z. You cannot form any image out of it. No, formula comes out. Oh, for God. Stop kidding. Okay, let's get to the point. The thing is that our mind has a direct connection with red color. Now, actually, I didn't get what direct connection, and I didn't get this. No, actually, there was once an experiment done. There was long time ago, in maybe 2005, there was an experiment done. And there, let me guess, there the participants were given, in one glass they were given Pepsi and in one glass they were given Coca-Cola. Okay. Okay. Now, the glass in which, before giving the glass, they were told that in this glass it has Pepsi, it is containing Pepsi. But in reality, in that glass it was Coca-Cola actually. And the opposite color was black, right? No, color is always black. In Coca-Cola also, color was black. Color is black. Pepsi also, color is black. It's bit reddish. In Coca-Cola, it's bit reddish, I guess. Like it's more lighter black in Coca-Cola. Bit lighter than Pepsi. Okay. Let me explain then. So in one glass where the participant were given Pepsi, he was told that in this glass it is Coca-Cola. And in the second glass, where the participant were given actually Coca-Cola, in that glass, it was said Pepsi. Now, the thing is that, agree it or not, both Pepsi and Coca-Cola taste more or less same. It is, I don't know how can you say, but it is almost impossible to differentiate that which one is Pepsi. Impossible to. It's easily differentiable. Okay. Yes, sure. Next time I will test it. I will like, it's really. You come to my house, I would give you two glasses of water. In first glass, it would be Coca-Cola. In first glass, it would be Pepsi. Okay. And then I see if you can differentiate or not. Oh, can you differentiate between fruity and maza? Kya? Both are same. Fruity and maza. You cannot differentiate between them. Both are mango juice. I guess. Are you sure? But in slice and fruity, I will definitely differentiate. Yeah? Hello. But in fruity and maza, I will give you the 100% accuracy. In fruity and maza. A slice. Fruity and slice. Achha. Bahut badhiya bol raha. You really think there is no difference between fruity and slice? So both are mango juice. Fruity and slice, I can tell. Fruity and maza.
But especially Pepsi and Coca-Cola. Let's get back to Pepsi and Coca-Cola. In Pepsi and Coca-Cola, okay. According to my opinion, it's impossible to differentiate because both are sugar-coated yeah. carbonate water. Okay, you were saying about that experiment. What happened later? Yeah, later what happened provided is that... The... Huh. अब क्या है जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि कौन सा वाला तुमको ज्यादा अच्छा लगा और पार्टिसिपेंट ने बोला कि जिसमें कोका कोला था वो ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि क्योंकि क्या है ना कोका कोला में जो रेड वाला जो लेवल है वो रेड कलर हमारे माइंड में डायरेक्ट एक कनेक्शन है रेड कलर से. तुम एक बात बताओ अगर मैं कोका कोला बोलू तो अगर मैं कोका कोला और पेप्सी दोनों वर्ड अगर मैं अटर करूँ प्रोनाउंस करूँ तो तुम्हारे माइंड में पहले कोका कोला ज्यादा घूमेगा फिर पेप्सी घूमेगा क्योंकि तुम जब कोका कोला के बारे में सोचोगे तुम्हारे माइंड में क्या आएगा एक बॉटल है जिसमें रेड कलर है रेड कलर का एक लेबल है और वहां पे कुछ लिखा है क्योंकि जो रेड कलर है ना वो बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है हमारे माइंड को. लेकिन सही बात है हाँ, आई एग्री विद यू. तुम बोलो रेड कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि नहीं जब मैं कोका कोला और पेप्सी बोल रहा हूँ. कोका कोला बोलने से रेड ही साइड में कोका कोला तुम्हारे माइंड में ज्यादा आएगा. तुम सोच के देखो कोका कोला और पेप्सी कोका कोला का दिमाग में आता है थोड़ा रेडिस रेडिस काला पानी. कोका कोला पहले आता है क्योंकि क्योंकि उसमें जो रेड कलर जो है ना रेड कलर हमारे दिमाग में आगे आ रहा है और पेप्सी का कलर इतना अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि जो ब्लू कलर है वो इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है हमारे माइंड के लिए. रेड कलर पे हमारे माइंड पूरा फोकस रहता है. दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर आवर माइंड सेट आवर ब्रेन इज मेड पूरा रेड भी वैसे वो पूरा रेड भी नहीं है बट हाँ रेड उसको बोल सकते हैं रेडिश है ब्लैक और रेड मिक्स है यही ना वो अच्छा लगता है मतलब रेड थोड़ा. अरे भाई नहीं नहीं मैं कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स का कलर नहीं बोल रहा हूँ मैं बॉटल के बात कर रहा हूँ. अच्छा, अच्छा, बॉटल इमेजिन करो एक प्लास्टिक बॉटल अच्छा, 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 ग्लास का बॉटल नहीं उसमें क्या होता है रेड कलर का क्या है अच्छा, कलर का लेवल पेप्सी पे ब्लू कलर है और कोका कोला पे रेड कलर है ना रेड कलर ज्यादा आता है तो माइंड में तो इसीलिए. अच्छा रित्रा तुमने जो क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में कि कस्टम जो तुमने बोला कि कोको कोला ज्यादा अच्छा होता है या पेप्सी राइट सो तुम कौन से बेसिस पे बोल रहे हो इन द बेसिस ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस और एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. नहीं कोका कोला मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि आई एम जस्ट आस्किंग कैन यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टेस्ट ऑफ बोथ ऑफ देम. यस ऑब्वियसली क्योंकि उसका टेस्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है. हो सकता है एक मीठा होता है और एक थोड़ा सा वो कम मीठा लगेगा और जो रेगुलर बेसिस से पीते हैं ना वो आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. तो एक बात बताओ अगर मैं गिव यू ग्लास एंड आई पोर अ कोल्ड ड्रिंक इन इट ओके आई यू डोंट नो whether it is Coca-Cola or Pepsi but I give you okay. Would you be able to determine whether it is Coca-Cola or Pepsi? I don't tell you anything about it. I don't tell you whether it is Coca-Cola or whether it is Pepsi. I just tell you it is a cold drink. Just carbonated sugar-coated water. Would you be able to tell what is it actually? Whether Coca-Cola or Pepsi or anything else? In 100% people, at least जो regular basis पे पीते हैं या होता है ना तो वो लोग तो आसान से differentiate कर देंगे क्योंकि taste में difference होता है. एक बात बताओ अगर कोई product कोई company अगर launch कर रहा है अगर उसमें कुछ uniqueness नहीं होगा अगर उसमें कुछ differentiation नहीं होगा तो वो sell कैसे होगा. अरे तो और एक important बात है खाली लोगों के basis पे या bottle के basis पे sell नहीं हो सकता है. क्योंकि ना अपने स्टमक पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है. ये ऐसा होता है ना कि टॉयलेट भी क्लीन किया जा सकता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह से. मेरी एक फ्रेंड है वो हाइजीन ऑडिटर है तो जहाँ भी रेस्टोरेंट वगैरह में ऑडिट करने जाती है ना तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलता है. वो तो पीती नहीं है क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी से ही है तो वो जाती है घर में बोलती है उसे टॉयलेट साफ कर लेना. जेन्युइनली बता रहा हूँ रहता है वैसा.
नॉट गुड फॉर हेल्थ आई डोंट थिंक सो कोई कंटिन्यूअसली 3 महीना पी सकता है इसको बॉडी खुद बोलेगा ए इसको नहीं पीना है से 3 महीना कौन पीने बोल रेगुलर बेसिस में मतलब ज्यादातर हां ये बहुत इफेक्ट डालता है ये नहीं पिया सकता बोला ना बॉटल का वो एस्थेटिक्स हो गया वो तुम्हारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बोला जो बोला ओके So, okay. Yeah. So, Inder, can you tell me how did Coca-Cola penetrate the Indian market? India no mein idea, boss. No idea. Why no idea? You don't watch cricket? I watch cricket. But I don't think so. That is the only reason. Like, if we advertise, it means not that it's penetrate kind of. No. At a very young age, when you were more young, like a child, so didn't you watch cricket? Sachin Tendulkar, MS Dhoni, didn't you watch them playing? Yeah, I watched. So, what did you learn at them? What kind of ad they were promoting? What kind of product Sachin Tendulkar was promoting at that time? What product he was promoting? Was he promoting? Tell me. Okay, I remember one Dabur Red. No, Sachin Tendulkar promoted Coca-Cola. Oh. Yeah, okay. Yeah, so what Coca-Cola did was, I'm telling you, कोका-कोला ने देखा कि इंडिया में अगर पेनेट्रेट करना है तो क्या है ना प्रॉब्लम है इंडिया में देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पीपल पीपल विद हु वेरियस रिलीजन पीपल विद वेरियस काइंड ऑफ गॉड अगर तुम वेस्ट बंगाल पे छोड़ के तमिलनाडु में चला जाओगे तो द माइंडसेट ऑफ पीपल आर कंप्लीटली डिफरेंट देयर कल्चर देयर फूड हैबिट देयर रिलीजन देयर टेस्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल अगेन इफ यू लिव फ्रॉम तमिलनाडु टू पंजाब Then it is also completely different from all the other people. So that is the beauty of India. It is rich in diversity. So Coca-Cola tried to find out what is one thing, the one particular event or one particular work that all Indians love. And that one particular work was cricket. You agree okay. it or not, all of the Indian people love cricket, either to play or yes. to watch. Yes or no? Yes. Yeah. India is a great fan of cricket. So that is the one thing all Indians have in common. That is the passion for cricket. From childhood to old age, everyone plays cricket or everyone watch cricket. So what Coca-Cola did was it tried to promote its product through the medium of cricket. So at that time, what they did, they approached Sachin Tendulkar. At that time, I guess back in 2005 or 2008. They approached Sachin Tendulkar, who was the idol of cricket, and they asked him to promote their product. So, if you remember, back at that time, Sachin Tendulkar used to promote Coca-Cola. Yeah. Khelo aur Piyo. Yaad hai aisa? Khelo aur Piyo. Aisa ad aata tha. Nahi yaad hai woh. Haan, aisa ad aata. Yaad to nahi hai. But itna yaad hai ki Coca-Cola ka, I guess, India ka jersey pe कोका-कोला का लोगो था आई गेस कोका-कोला या पेप्सी का श्योर नहीं हूं हां हां वही तो थोड़ा। वो तो करते थे क्योंकि उनको पता था कि इंडिया लोग क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है क्रिकेट सब लोग अच्छा लगते हैं तो यहां पर ही प्रमोट किया जाए और ऐसे करके इंडिया में वो लोग घुस गए सही है तो दैट्स हाउ दैट्स अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू कैन से अदित्य डू यू हर्ड उन्होंने क्या किया था लाइक बहुत सारे जो ब्रांड ये सब होते हैं वो क्रिकेट के में तुम्हारे लाइक प्रमोट करते हैं जैसे वहाँ पे वो लोग पोस्टर्स लगा देते हैं बैनर्स लगा देते हैं स्टेडियम में वो लिखा हुआ रहता है तो वो सब कर देते हैं बट नाइकी ने क्या किया था और वो सब के पैसे लेते हैं वहाँ पे लगते हैं यू नो बट नाइकी ने क्या किया था नाइकी ने स्टेडियम के बाहर अपना कैप भेजा था उसमें नाइकी का वो लिखा हुआ नाइकी का लोगो था तो वैसे नाइकी के फ्री में प्रमोशन भी हो गया एंड वहां पे स्पॉन्सरशिप किया था किसी और ब्रांड ने
बट वहां पे सबके पास नाइकी के दिख रहे थे, तो वहां पर नाइकी का ज्यादा प्रमोट हुआ था. सो दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर नाइकी प्रमोशन का. हाँ, और इसीलिए ना ये 2017 में जो वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पर अरे अपने कोलकाता में, तो वहां पर डिकैथलॉन को दूर रखा गया था. एडिडास और नाइकी यही लोग थे, मतलब कुछ इवेंट वालों को बोला गया था कि ये डिकैथलॉन को दूर रखो इसी चक्कर में कि साला फ्री में कुछ बांट दिया तो साला इतना इतना मेहनत वेहनत इतना पैसा वैसा करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा. हाँ, मतलब स्पॉन्सरशिप में सबने इतना पैसा लगाया, बट वहाँ पे नाइकी अपना ही लेकर के निकल गया प्रमोट फ्री में क्या बांटा. हाँ सही है यार, उस टाइम मेरे को जाना चाहिए था. फ्री में कैप बांटा है, एंड फिर सबके वहाँ पे कैप में नाइकी नाइकी दिख रहा था और कुछ ब्रांड का. लेकिन ये बात है, इसमें भी बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, लाखों लोग रहते हैं स्टेडियम में. खर्च हुआ होगा पर प्रमोशन का तो अच्छा हो गया ना. जो स्पॉन्सरशिप में लगा रहे हो वो पैसा सेव करके उन्होंने नाइकी ने कैप कर लिया. लेकिन यार थोड़ा रिस्क भी लिया, लेकिन रिस्क उतना नहीं था कि पता चला कि कोई पहना ही नहीं, टॉपिक खोल के रख लिया. भाई वो सब ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हाँ बोल दिया हो भाई देख स्टेडियम पर पहन के रखना पड़ेगा, नहीं समझ रही हो, ऐसा अगर बोला होगा तो. नहीं 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 वो लोग कभी किसी भी कस्टमर या ऑडियंस को फोर्स नहीं कर सकते. बट यार वो लोग 1000 लोगों को भी दे रहे हैं अपना कैप, तो सबके सब नहीं खोलते हैं, और धूप में भाई कोई नहीं खोलता. धूप नहीं रहता स्टेडियम में, कुछ लोगों के लिए धूप रहता है बाकी लोगों के लिए नहीं रहता. बट जब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो वो लोग पहनते हो, अब तो जब मिलता है ना किसी चीज को फ्री का माल तो शौक से यूज करते हैं. ये बात तो सही है. ये बात तुमको कैसे पता प्रीति, ये बात कैसे पता प्रीति, साइकोलॉजी है. ओ अच्छा, एक चीज और है इसमें, कोको कोला पेप्सी का जैसे बात हो रहा है, तो वो लोग 2014 में जब कोको कोला उतना ओल्ड ब्रांड भी नहीं था, में क्या हुआ था कि कोको कोला एडवर्टीजमेंट के लिए अपना मतलब एड हम लोग जैसे टीवी में देखते हैं वैसे उन्होंने बनाया था. तो उन्होंने पेप्सी को डिफेम किया था, मतलब उन लोग का बॉटल यूज करके उन्होंने डिफेम भी किया था. अच्छा वो पेप्सी वो जो वो ब्लू कलर का जो ये लगाया था, ब्लू कलर का एक सुपरमैन या कुछ बन गया था पेप्सी, वो वाला क्या. तो फिर ना वहाँ पे वो लोग डिफेम किया था, बट वो अलाउ नहीं है, ऐसे रूल्स में अलाउ नहीं है. अगर आप ऐसे करते हो तो वो आपका एड जो है वो आपका वो लोग हटा देता है, वो लोग नहीं यूज करने देता है. बट वो एड से पता है वहाँ पे पेप्सी ने भी उनको उल्टा बहुत अच्छा जवाब दिया था अपने एडवर्टीजमेंट से. तो वो एक टाइप ऑफ ना मतलब कॉम्पिटिटर का राइवल्स पना दिख रहा था उसमें. हाँ, तो वो उस समय भी वो बहुत चला था. ये दोनों साथ साथ एक ही पेरेंट्स कंपनी तो एक ही है ना इनका, ये अलग अलग है. हेलो हेलो, दोनों का पेरेंट्स कंपनी एक ही है ना कि अलग अलग है, एक ही होना चाहिए. हेलो, आई डोंट थिंक सो एक है, मेरे ख्याल से अलग अलग है, मुझे पता नहीं. अच्छा वैसे ऐसे तो एक दूसरे के राइवल तो हैं, लेकिन मे बी पॉसिबल नहीं हो सकता है दोनों की कंपनी हो. नहीं, राइवल तो राइवल ही रहेंगे. तो इंदे तुम पीते हो कोका कोला. हाँ कभी कभी पी लेता हूँ, प्रीफर नहीं करता, ऐसे ही जब कुछ सोचता नहीं है तो पी लेता हूँ, इतना क्या सोचना इसमें. अच्छा ठीक है, अच्छा लगता है पीने में. हाँ पीने में तो सही लगता है, मन पीने के बाद रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों पी लिया शुगर वाटर. हाँ ना ना ऐसा रिग्रेट नहीं होता. हेलो प्रीति, डू यू ड्रिंक कोका कोला. अरे देखो क्या होता है ना, कभी अगर ऐसा लगता भी है ना कि शुगर कोटेड वाटर ले लिया हूँ, सुबह 2 पुशअप या 4 पुशअप ज्यादा मार लेता हूँ तो बराबर हो जाता है. क्या करना है, सुबह 2-4 पुशअप ज्यादा लगा लेता हूँ, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, एनर्जी यूज हो गया, फैट अच्छा नहीं जमेगा, बर्न हो गया. एक्सरसाइज करते हो. हाँ कर लेता हूँ. क्या क्या करते हो एक्सरसाइज में.
कुछ नहीं, 5 मिनट रनिंग और थोड़ा बहुत पुशअप, थोड़ा बहुत चिन अप, थोड़ा बहुत क्रंचेस, घर में यही सब। हाँ घर में ही। अच्छा बस गार्डन भी है लेकिन मैं घर में ही करता हूँ। घर में का तो एक रूम में होता है सब कुछ, पूछा फिटा और क्या, रनिंग रनिंग कहाँ करते हैं? रूम में ही हो जाता है मेरे भाई, बहुत रूम लंबा में रूम है। रनिंग? हाँ मेरे भाई जस्ट जॉगिंग टाइप में थोड़ा बहुत, कितना बड़ा रूम है मतलब कि भाई पुशअप जो रनिंग कर रहा है रूम में? सीधा लंबा है भाई, 3 रूम है सीधा एक लाइन में, और मतलब जॉगिंग टाइप में, रनिंग वो वाला रनिंग नहीं, थोड़ा पुशअप वगैरह से वार्म अप करना पड़ता है ना, मतलब ये सब नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, बेटर रहता है थोड़ा वार्म अप कर लेना, तो वो हो जाता है। 3 रूम है एक लाइन में हो जाता है। तो ऐसे बर्न करते हो कोका कोला का कार्बन वाटर, रात हाँ भाई को कोका कोला पीते हो, दिन को एक्सरसाइज करते हो टू बर्न दैट। यस। तो इंदिर का पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गया, अब ये पोस्ट करना हाँ है मेरे यूट्यूब भाई में। हाँ रोज ही इट इज लीक हो रिकॉर्डिंग, रहा है। योर स्पीचेस भी हाँ वही तो, रिकॉर्डेड रोज आफ्टर ऑल, सब ही लोग लीक हो रहा है देखेंगे मेरे कि तुम भाई, घर में जॉगिंग करते हो। कोई बात नहीं। अरिस्ट्रा आई हैव अ फीलिंग कल का बदला यू आर टेकिंग आज, क्या अभी देखो कल का बदला कहाँ रिवेंज लिया है। अरे ले रहे, रिवेंज, रिवेंज कल कहाँ ले हमने रहा है भाई, ये बोला था ट्रूथ ना है। कि योर अरे पर्सनल इंफॉर्मेशन इज लीक्ड, सो दैट्स व्हाई। रिवेंज नहीं भाई, बताना है ना इंदिर क्या क्या करता है घर में, सबको जानना चाहिए। हाँ अब देख अरित्र भाई, मैं उठता हूँ सुबह 12 बजे 10 बजे, कोई ठीक ठाक नहीं रहता उठने का, और एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा दिन बैठ के काम करना तो घर में ही करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है चलो अब मीटिंग एंड करता हूँ व्हाट्स मैं। योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट्स योर माइंड पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द कोका आई कोला डोंट ड्रिंक इफेक्ट? कोका कोला, आई डोंट ड्रिंक कोका कोला, आई डोंट ड्रिंक पेप्सी। इफ आई ड्रिंक देन इट इज ऑन स्पेशल ओकेशन इन अ वेरी रेयर थिंग, ओके सो व्हाट यू बिकॉज़ चूज, कोका हाँ कोला और पेप्सी, व्हाट विल यू चूज? कोका कोला पेप्सी, देखो दोनों ही मेरे लिए सेम है। मैं कोल्ड ड्रिंक का इतना बड़ा फैन तो नहीं हूँ, पहले बहुत रियली पीता हूँ, तो मैं कोका कोला पहले माइंड में आ रहा है, कोका कोला ही चूज करता हूँ। ओके इवन आई डोंट ड्रिंक सो मच, इवन तो आई डोंट ड्रिंक सो मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, वेरी रेयर। मेरे भाई देखो हाँ प्राइवेसी को लेकर इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। देखो ऐसे तो अभी जो, अंतर यू कैन एंड द सेशन।